हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं एक न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आई हूँ आप लोगों के पास। एंड आज का ब्लॉग हमारा है अपने पाँव को किस तरह से आप अच्छे रख सकते हो, स्वस्थ रख सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो, उसी के ऊपर मैं ये ब्लॉग लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, मैं अपनी पाँव के जो हेयर होते हैं मैं उसे पूरे बीट से पूरे हेयर को निकाल देंगे, सबसे पहले देख सकते हो। एंड काफ़ी दिन हो गए थी तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ देख सकते हो मैं बीट ले ली हूँ हेयर रिमूव से, एंड मैं अपने पाँव के जो हेयर होते हैं मैं उसे पूरा रिमूव करूँगी। देख सकते हो अच्छी तरह से मैं पूरे हेयर को निकाल दूँगी एंड इसे लगा के रखेंगे, 10-15 मिनट तक रहने देंगे। तो मैं चलो अच्छे से पूरा लगा लेती हूँ। एंड मैं अपने पाँव को ऐसे ही करती हूँ, महीने में दो बार मैं पक्का यूज करती हूँ हेयर को। तो देख सकते हो ये हल्की हल्की 15 मिनट जैसे ही हो गई और हल्की हल्की ये आपकी सूखा सूखा जैसे हो चुका है। एंड मैं अभी हेयर को अच्छे से निकाल देंगे। तो देख सकते हो मैं अपनी हेयर को निकाल रही हूँ और बहुत अच्छा से निकलता है। देख सकते हो कितने सारे हेयर निकल रहे हैं एंड बहुत अच्छा है बीट। एंड आप लोग भी ज़रूर यूज कीजिए। एंड मैं इसी से अपना पाँव का हेयर वॉश करती हूँ, देख सकते हो। एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है आपकी स्किन। तो चलो मैं अच्छी तरह से इसे हेयर को निकाल लेती हूँ। सूख गया है तो हल्का सा पानी लगा देंगे और उसके बाद मैं अच्छे से निकालेंगे तो पूरे हेयर अच्छे से निकल जाएंगे, देख सकते हो। एंड आज का ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। एंड जो भी नए जुड़े प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। एंड यहाँ देख सकते हो मैंने अपने पाँव के हेयर अच्छे से निकाल लिए हैं, देख सकते हो। एंड कितना स्मूथ लग रहा है, देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो मैं ये गर्म पानी है, गर्म पानी में थोड़ा सा मैं ठंडा पानी मिक्स करेंगे, मतलब जितना मतलब आपका पाँव मतलब बर्दाश्त कर सके गर्म पानी को, मैं उसी हिसाब से पानी को देख सकते हो मैं देख रही हूँ। एंड पाँव को हम अच्छे से वॉश करेंगे, सफ़ा करेंगे। इसके लिए मैंने गर्म पानी लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक दिया है एंड इसमें मैं नींबू दी हूँ, नींबू का रस, एंड लास्ट में शैम्पू दी हूँ। और मैं इसे अच्छे तरह से फेंट लेंगे हाथ के जरिए, देख सकते हो। आप चाहो तो अपने पाँव डाल के पाँव के जरिए से भी कर सकते हो। तो मैंने हाथ से अच्छे से फेंक दिया और इस गर्म पानी में मैंने अपने दोनों पाँव को डुबा के रख दिया है। एंड 10 मिनट तक 15 मिनट तक आप अपने गर्म पानी में पाँव को डुबा के रखिए एंड पाँव की जितने भी गंदगी होती है सब आपके निकल जाएंगे इस पानी में। और यहाँ देख सकते हो मैं हल्का हल्का ब्रश के जरिए मैं पाँव को मतलब ब्रश से रगड़ रही हूँ ताकि जो भी इसकी गंदगी है निकल जाए। तो देख सकते हो एंड सचमुच बहुत गंदगी निकली है, पानी बहुत ब्लैक हो गया है, देख सकते हो। एंड ऐसे करने से फ्रेंड पाँव आपका बहुत अच्छा रहता है, खूबसूरत रहता है। एंड पाँव ठंडे के दिन में पाँव फड़ी भी जाती है ना एरी वगैरह, तो ध्यान रखने से आपकी पाँव ऐसे ध्यान रखेंगे तो आपकी खूबसूरत होगी पाँव, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देख सकते हो मैं इसी तरह से करती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड जो है मैं वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैं अपना पाँव वॉश कर रही हूँ, पाँव को सफ़ा कर रही हूँ, मैं इसी तरह से करती हूँ। एंड ठंडे के दिनों में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने शरीर का A to Z का ख्याल रखो। तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंड मेरे पाँव का सब अच्छे से मैंने कर लिया है, सब कुछ देख सकते हो। एंड झाग इतना है ना देख सकते हो। एंड काफ़ी दिन भी हो गए थे तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर भी कर लूँ, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। मैं इसी तरह से करती हूँ एंड मैं देख सकते हो मैं पाँव से पाँव को कर रही हूँ, मल रही हूँ, देख सकते हो। एंड पानी देख सकते हो, पानी का रंग आप देख सकते हो कितना ब्लैक, कितने सारे गंदगी निकली है, देख सकते हो। और यहाँ देख सकते हो मेरे पाँव कुछ फर्क नज़र आ रही होगी आप लोगों को, देख सकते हो हेयर हटाने के बाद पाँव को मैंने सफा करने के बाद आप देख सकते हो मेरी पाँव रंगी लुक की चेंज हो जाता है पाँव का। और इस तरह देख सकते हो मैं मॉइस्चराइजर के तौर पर एलोवेरा जेल ली हूँ, एलोवेरा जेल से मैं इसको अच्छे से पाँव को मसाज कर लेंगे एंड इतना प्यारा लग रहा है मैं क्या बताऊँ, बहुत स्मूथ और शाइन भी मार रहा है, देख सकते हो आप। एंड एलोवेरा जेल से मैं अच्छे से मसाज कर दूँगी पाँव को
एंड आप चाहो तो पाँव में फेस पैक भी लगा सकते हो मिल्तानी मिट्टी का, एंड कोई दूसरी मसाज भी मतलब फेस पैक लगा सकते हो। मैं मिल्तानी मिट्टी लगाती हूँ पर आज मैंने नहीं लगाया। एंड यहाँ देख सकते हो मैं पाँव में चलो नेल पॉलिश लगाएंगे एंड जो पाँव की खूबसूरती बढ़ाती है नेल पॉलिश। और यहाँ पर मैंने पायल भी पहन लिया है, तो देख सकते हो मेरा पाँव कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारा पाँव कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। एंड देख सकते हो मैंने पाँव में पायल पहना एंड मेरे दोनों पाँव देखिए कितनी खूबसूरत लग रहे हैं सफ़ा करने के बाद। तो पाँव का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो देख सकते हो। एंड ओके फ्रेंड, ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करेंगे, बहुत छोटा प्यारा सा ब्लॉग है। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय।